बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात। अहमद अवैस एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। आज पार्ट टू में यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होंगी और थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ हाल की वीडियो और मेन्यू में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए पहले मैं आपको ये इम्पैक्ट अरीना का ये जो लोकेशन है इसके बाहर से मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। इम्पैक्ट अरीना की ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है, इसमें डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे होते हैं और बहुत ही बड़ी तादाद में कह लें जो मीटिंग्स होती हैं वो भी यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे हॉल्स बने हुए हैं और इनके अंदर अभी भी मीटिंग्स चल रही हैं। ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है और पूरी बिल्डिंग में आपको घुमा नहीं सकता और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, तो जो फूड काउंटर है स्काई किचन है जो वो उसका विज़िट मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ। यहाँ पर जो स्काई किचन है उसको चारों तरफ से उसकी एंट्री है। और ये बिल्डिंग में चैलेंजर नंबर 3 है और वो वहाँ पे उस तरफ स्काई किचन है। यहाँ पर जब कस्टमर आते हैं तो एक साथ ही आ जाते हैं, तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, मतलब कि हमारा जो काउंटर है उसकी बात कर रहा हूँ। तो बाकी यहाँ पे मिक्स आते हैं इंटरनेशनल कंट्रीज से, तो डिफरेंट टाइप्स का फूड इधर लगा हुआ है ये काउंटर, जैसा कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। और जो हमारा काउंटर है और साथ में थाई फूड है वेजिटेरियन, वहाँ पर सिर्फ इंडियन पीपल्स ही आते हैं क्योंकि वेजिटेरियन सिर्फ यहाँ पे 2-3 काउंटर्स हैं जो कि टेम्परेरी काउंटर्स हैं, और बाकी की ये जो शॉप्स आप देख रहे हैं ये यहाँ पर परमानेंट हैं। Thank you.
अभी 4 बजे हैं और सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के चाय पी रहा हूँ। और ये इधर मैं बाहर का व्यू है और ये पूरे बेंचेस लगे हुए हैं। तकरीबन कह लें कि एक झटका लग चुका है, यहाँ पे काफ़ी रश था अभी, तो आप सब लोग जा चुके हैं। अभी 1 घंटे बाद फिर हल्का फुल्का स्नैक जैसे टी ब्रेक है इस तरह की होगी, थोड़े से कस्टमर्स आएंगे और उसके बाद 6 बजे फिर घर को रवाना। पिज़्ज़ा मांगे था लगा दिया लगा दिया नहीं इसमें इसमें एक से मशरूम्स है क्या उसमें जी जनाब, आज इम्पैक्ट में लास्ट डे है और अभी टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं और ये मेरा लंच है। ये हमेशा की तरह वही कुतिया नाम नो सूप वाले नूडल्स जो होते हैं और ये है स्पाइसी सॉन्गतम। जी ख़वातीनों हज़रात, आई होप आप सबको ये सिंपल सा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल अहमद अवैस व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और मज़ेदार व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए अहमद अवैस को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। But I'm so frustrated